आपके पास फंक्शनल गिवन है आई ऑफ यू ऑफ टी इक्वल्स टू 0 to 1 यू डैश टी का होल स्क्वायर इनटू डीटी। ये जून 2017 का क्वेश्चन है आपके पास, और आपके पास कंडीशन गिवन है यू एट 0 पे 0 एंड आपके पास मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ यू ऑफ टी टी लाइंग इन बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। अब आपसे पूछा है कि इन्फिमम वैल्यू इस फंक्शनल की क्या होगी, तो इन्फिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो गिवन फंक्शनल है उसकी जब आप रेंज फाइंड करेंगे तब आप वहाँ से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या रहने वाली है। तो u आपके पास क्योंकि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास u कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ये आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि आपके पास u c1 क्लास से फंक्शन बिलोंग कर रहा है, यानी कि u आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव भी आपके पास क्या है कंटिन्यूस। तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी रहेगी इसका जब इंटीग्रेट करेंगे वो पॉजिटिव रहने वाला है। तो हमें डिसाइड करना है कि आपके पास जो गिवन फंक्शनल है उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कहाँ तक जा रही है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि मिनिमम है आपके पास, लोकल मिनिमम है या आपके पास स्ट्रॉन्ग मिनिमम है, वो डिसाइड करने के लिए आप सबसे पहले एफ ऑफ यू डैश एंड यू डैश फाइंड करेंगे। तो यानी कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यू डैश फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 2u मिलेगा, फिर अगेन यू डैश के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो आपके पास ये क्या मिलने वाला है 2, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये किसी भी एक्सट्रीमल पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मीनिंग ये क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा है, यानी कि जो भी आपके पास एक्सट्रीमल आएगा उस एक्सट्रीमल के अलोंग आपके पास गिवन फंक्शनल मिनिमम वैल्यू देने वाला है। अब हमें फाइंड करना है कि वो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, क्योंकि आपके पास उसी मिनिमम वैल्यू से आपके पास इस गिवन फंक्शनल की रेंज स्टार्ट होगी। तो वही आपके पास क्या होगा, जहाँ से हमारे पास इन्फिमम वैल्यू सपोज कीजिए ओपन इंटरवेल हमारे पास ए से स्टार्ट हुआ और आपके पास बी तक इसकी रेंज गई, तो हमारे पास इस रेंज में आपके पास गिवन फंक्शनल की रेंज है तो आपके पास इन्फिमम क्या रहने वाला ए। तो अब हमें डिसाइड करना है कि गिवन फंक्शनल का मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि आपके पास ये तो पता है कोई भी एक्सट्रीमल आप ऑब्टेन करेंगे उसके अलोंग आपके पास गिवन फंक्शनल मिनिमम वैल्यू देने वाला, और वो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग मिनिमम वैल्यू देने वाला, यानी कि पूरे डोमेन में वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो यहाँ अब आपके पास सबसे पहले एक्सट्रीमल फाइंड करना होगा, तो ये जो आपके पास एफ ऑफ टी कोमा यू ऑफ टी और यू डैश टी, ये जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ टी एंड यू रहता है तो आपके पास जो एक्सट्रीमल ऑब्टेन होता है दैट इज आपके पास क्या रहेगा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो यहाँ से आपके पास जो एक्सट्रीमल मिलने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा यू ऑफ टी इक्वल्स टू ए टी प्लस बी। अब आप ये कंडीशन यूज़ करेंगे जो आपको गिवन कंडीशन है, तो यू एट जीरो पे आपके पास क्या है जीरो, दिस इम्प्लाइज आपके पास बी जो कॉन्स्टेंट है वो क्या रहने वाला है जीरो, एंड आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा यू ऑफ टी इक्वल्स टू ए टी प्लस बी मिलने वाला है आपके पास, ये मिलेगा। अब आप इस कंडीशन का यूज़ करेंगे तो मॉड ऑफ यू ऑफ टी क्या मिलने वाला है आपके पास, यहाँ से मॉड ऑफ ए, बी की वैल्यू आपके पास जीरो है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ टी। जब आप मैक्सिमम बोथ साइड ऑपरेट करेंगे मॉड ऑफ यू ऑफ टी, टी लाइंग इन बिटवीन क्लोज इंटरवल 0, 1, ए आपके पास कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज बाहर रहेगा आपके पास, मैक्सिमम ऑफ टी लाइंग इन बिटवीन क्लोज इंटरवल 0, 1 मॉड ऑफ टी, टी आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0, 1 में, तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा वो आपके पास एंड पॉइंट पर अटेंड करेगा, तो यानी कि 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा वो क्या मिलने वाली है आपके पास 1, और ये किसके इक्वल गिवन है आपके पास 1। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है प्लस माइनस 1। तो यहाँ से जो आपके पास एक्सट्रीमल मिलेगा वो क्या मिलेगा यू ऑफ टी इक्वल्स टू प्लस माइनस टी, यू ऑफ टी इक्वल्स टू प्लस माइनस टी, यू ऑफ टी यानी कि आपके पास ये जो फंक्शनल आपने एक्सट्रीमल ऑब्टेन किया वो गिवन फंक्शनल को मिनिमाइज करेगा। अब हमें मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप जैसे कैलकुलस में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते थे उस क्रिटिकल पॉइंट को आप फंक्शन में पुट करते तो आपको क्या मिलने वाली मिलती थी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, जो आपके पास फंक्शन अगर डबल डेरिवेटिव आपके पास ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम मिलता था, और डबल डेरिवेटिव आपके पास लेस देन जीरो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, जो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आते थे उसको आप गिवन फंक्शन में पुट करते थे, तो वही चीज़ हमें क्या करना है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी आपके पास एक्सट्रीमल आया है उसको गिवन फंक्शनल में पुट अप करेंगे और वहाँ से आपके पास जो फंक्शनल की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से यू डैश टी क्या मिलने वाला है आपके पास प्लस माइनस 1, तो यू डैश स्क्वायर ऑफ टी क्या मिलेगा आपके पास 1। तो जब आप इस गिवन फंक्शनल में पुट करेंगे तो आपके पास आई ऑफ यू ऑफ टी क्या मिलेगा 0 to 1
वन इंटू डी टी, तो यानी कि आपके पास वन मिला, तो जो भी आपके पास वन अचीव हो रहा है तो यानी कि आपके पास ये जो गिवन फंक्शनल है उसकी जो रेंज स्टार्ट होगी वो वन से स्टार्ट होगी और आपके पास इन्फिमम वैल्यू पूछी है, दैट्स वाई हमारे पास इन्फिमम वैल्यू क्या मिलने वाली है, वन मिलने वाली है। तो आपका आंसर सी होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।